हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वापस आपको लेके आए हैं एमएनएन ब्लॉग में। आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश चौहान, प्रोग्रेसिव ग्रोवर हमारे। ओके, इस साल अप्रैल की प्लांटेशन है, तो इस गाला में आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो योगेश जी, जैसा कि आपने बताया, ये हमारे पास जो गाला का प्लांट है, ये है श्निको रेड। गाला श्निका श्निको रेड M9037 रूट स्टॉक पे ये प्लांट है। तो गाला की कुछ बेसिक कैरेक्टर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी। गाला की टेंडेंसी ये रहती है कि ये जो इसका अपर पार्ट होता है, ये ऊपर वाले पार्ट पे ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू निचले वाले पार्ट पे। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, नीचे की कैनोपी हमारे पास बहुत कम कैनोपी है इस जगह पे, जबकि हमें यहाँ पे एक बड़ी ब्रांच चाहिए थी, जो कि हमारे पास इस जगह पे एक बड़ी ब्रांच, खाली एक ही ब्रांच है, वो इस तरफ को है जी। इस तरफ को देखो, ये बिल्कुल खाली है। हमें अब क्या करना है, हमें इस तरफ को भी कहीं ना कहीं एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस करनी है जी। वो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ब्रांच है। अब आप ये देख लेंगे, इसको थोड़ा क्लोजअप में लेके आए आप। गलास में जो इवन के जो ये पतले पतले आपको आइज दिख रहे होंगे, ये भी फ्रूट बर्ड्स होते हैं। ये भी आपका ये हो गया, ये हो गया, जितनी भी आपके आइज हैं, ये टोटल आपका फ्रूट बर्ड है जी। आपका ये दिख रहा होगा, तो काफ़ी स्वेल भी है जी। ये टोटल आपका फ्रूटिंग एरिया है। अब इसमें क्या है, आपका फ्रूटिंग एरिया इतनी पतली सी ब्रांच में आ चुका है जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस जगह पे आपके पास फ्रूटिंग आएगी। अगर आपने यहाँ पे फ्रूटिंग ले ली, तो यहाँ पे आप कभी भी ब्रांच नहीं ले पाओगे जी जी जी, बड़ी ब्रांच, जबकि हमें नीचे की कनोपी में बड़ी ब्रांच चाहिए। अगर हमने नीचे की कनोपी में बड़ी ब्रांच नहीं ली, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इस जगह पर बड़ी ब्रांच लेना जी। शुरुआत हम इस जगह से करेंगे, क्योंकि हमें ये एरिया जो है कनोपी का एरिया, वो भरना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमें यहाँ कहीं पर थोड़ा सा हेडबैक टाइप का कट देना है जी। और ये जो पोटेंशियल आपको दिख रहे हैं स्पर्स, इस वैसे तो कुछ हमें थिन करने हैं। एक मैं ये हाथ से उड़ा देता हूँ। तो अब इस जगह पे क्या हुआ, एक स्पर हमारे पास यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये थोड़ा सा वीक है, तो इसकी ये मे बी आए या ना आए, बट ये ज़रूर आएगा, ये स्पर और एक ये स्पर। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने कोई भी फ्रूट नहीं लेना है, फूल आएगा जी, बट फूल हमने गिरा देना है जी जी जी। उससे क्या होगा, यहाँ भी फूल आएगा, बट इस पूरी ब्रांच में हमने फूल गिरा देने हैं। जब हमने फूल गिरा दिए, तो क्या होगा, ये ग्रोथ पे जाएगा, और ग्रोथ पे हमने डालना है, सो दैट कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसमें प्रॉपर एक काफ़ी मोटा जो ब्रांच है फैदर, वो बना सके जी, जिसमें कि हमने नेक्स्ट ईयर फूटिंग करनी है। क्योंकि ये एरिया पूरा हमारे पास खाली है, और हमारे पास कोई भी स्कोप नहीं है इस जगह को भरने का। अब आते हैं इस वाली साइड को। अब इस वाली साइड में आप ये देखें, एक ब्रांच ये है, एक काफ़ी वीकनेस गई हुई है, ठीक है। तो वैसे तो इस पूरी ब्रांच में आप ये देख रहे होंगे, ये जो इसकी आइज है, ये आइज, ये आइज, ये पूरी हमें फ्रूटिंग दे सकती है, बट ये हमने फ्रूटिंग नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रांच है जी जी। हमें अब क्या करना है, हमने इसमें बिल्कुल फ्लैश कट लगाना। फ्लैश कट क्या होता है, बिल्कुल आपने नज़दीक से इसको कट आउट करना है लाइक दिस। आप ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से, तो कैंची लगाने के लिए जगह नहीं प्रॉपर यहाँ पर, बिल्कुल आपने इसको नज़दीक से ले लिया, ठीक है। ये आपने आउट कर दिया, बस आपने थोड़ा सा ना, ये बिल्कुल नज़दीक से नहीं लेना, तो नज़दीक से थोड़ा सा आगे आपने हल्का सा ये छोड़ के यहाँ पे कट मारना है आपने, ठीक है जी। बट बिल्कुल नज़दीक से नहीं लाना, थोड़ा सा आपने ये आगे को छोड़ना है, क्योंकि ये क्या होता है, ये ईजिली भर जाता है जी, जो ये पूरा एरिया होता है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास पर है, ठीक है, ये हमारे को फ्रूट देगा। ये थोड़ा सा वीक है, बट चलो नेक्स्ट ईयर के लिए ये फ्रूट हमें दे सकता है। यहाँ पे स्पर है, ये फ्रूट देगा, ये फ्रूट देगा, ये फ्रूट देगा। तो वैसे क्या है, फ्रूटिंग एरिया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट हमें क्या करना है, हमें इसको अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ पे भी रखना है जी जी। बट अब देखो इस सिचुएशन में क्या हो चुका है, इस सिचुएशन में हमारी ये ब्रांच ओवरलैप कर रही है, और ये ब्रांच इधर, ये ब्रांच इधर, आपस में ओवरलैप कर रही है। जबकि हमें क्या करना है, हमें इसका जो एरिया है वो इसकी जो टेरिटरी है वो हमें यहाँ कहीं तक मार्क करनी है, दोनों की टेरिटरी यहाँ कहीं तक मार्क करनी है, सो दैट के यहाँ से अंदर अंदर के पास जो फूटिंग एरिया है वो यहाँ पर रहे। हमने क्या करना है, हमें इसको बिल्कुल यहीं से उड़ा देना है आउट, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास जगह है भी नहीं, और हम इससे ज़्यादा इसको आगे बढ़ाना चाहते भी नहीं है। सेम सिचुएशन इसमें भी होगी। अब क्या होगा, ये एरिया हमारे पास खुल गया, गालाज में हर कहीं फूट लगता है,
हर जगह फूट लगता है, बस आपका वो कहीं भी आँख हो, थोड़ी सी आँख हो वहाँ भी वो फूटिंग हमें देते रहता है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत फूटिंग होगी, बट जो पीछे का एरिया ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राइंड वुड कोई भी नहीं रहेगी जी। पीछे का जितना एरिया है, आगे वो टिप पे थोड़ी सी ग्रोथ रहेगी बट इसमें फूटिंग भी हो रही है, तो जो सैप का फ्लो है वो फ्रूट बनाने के लिए भी ज़्यादा लगेगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेज पे आना है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो आपके पास ये भी ब्रांच है, इसमें अगेन हमें यहाँ पे इस जगह पे क्लिक कट करना है, ये इसीलिए ताकि ये अगेन स्टिमुलेट रहे और यहाँ से हमें बाहर को ग्रोथ देते रहे। अब ये ब्रांच है, ये थोड़ी सी हमने लेट बैंड की बट अभी काफ़ी लंबी जा चुकी है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास है, तो इसको हमें ना ये इस ब्रांच को हमें थोड़ा सा यहाँ बांधना है, थोड़ा सा इस जगह पे, ताकि ये एरिया डिस्टर्ब ना करे, और इस ब्रांच को थोड़ा सा यहाँ से निकाल के थोड़ा इस ब्रांच को ना ऐसे को लेना है, बस अगेन इसमें वो चीज़ करनी है, क्लिक यहाँ पर देना है, यहाँ पर हमारे पास जगह है, सफिशेंट जगह है, इसको हम यहाँ से क्लिक दे देंगे। ओके, कमिंग ऑन टू दिस वन ब्रांच, अब ये ब्रांच हमारी बहुत ही अच्छी एंगल पर, मैं इस ब्रांच को कह सकता हूँ ये ब्रांच हमारी बहुत ही अच्छी एंगल पर है, ये ब्रांच हमारी ठीक है, बट सेम सिचुएशन, अब इसमें फ्रूटिंग होगी बट ऊपर का अभी तक हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, जबकि हमें ऊपर की कनोपी भी बनानी है, तो इसको हम रिमूव करेंगे, इन दोनों ब्रांचेस को हम बेशक रहने दे सकते हैं। ये हमने इस ब्रांच पर इसको रिमूव कर दिया, ये रह सकती थी बट अभी हमारे पास इतनी सफिशेंट जगह भी नहीं है और ना ही प्लांट की इतनी सफिशियंट कनोपी बन चुकी है कि हम इसको रहने दे सकते हैं, इसीलिए हमने ये रिमूव कर दी। हाँ, ये दोनों हमारे पास रहेगी बट अब एक यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पे हमें आगे इसमें क्लिक नहीं देना है जी, हमने इस पर अगर यहाँ पे आगे क्लिक दे दिया तो क्या होगा, ये अगेन स्टिमुलेट होकर आगे को बढ़ती रहेगी, बट ये हमने रोक देनी है, सेम सिचुएशन यहीं पे, यहाँ पे भी है, ये ब्रांच भी हमने रोक देनी है, बट आप ही एक चीज़ देख लेंगे, इसमें जो टिप है, टिप पे इसमें पत्ती वाला बीम है, इसको नज़दीक से दिखा, जो ये स्पर है ये लीव वाला स्पर होता है, और जो ये स्पर है ये फ्रूटिंग स्पर होता है, फ्रूटिंग स्पर हमें नीचे की कनोपी में, तो हमें जितनी भी जहाँ भी जगह हमारे पास है हमने फ्रूटिंग वाला स्पर टोटल रिमूव करना है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर, ये अगेन मैं रिमूव करूँ ताकि ये हल्का सा अभी स्टिमुलेट में रहे, नीचे की कनोपी हमें स्टिमुलेट करते रहना ताकि हमारे पास ये नीचे का एरिया जो है वो बड़ा बड़ा रहे और ऊपर का थोड़ा कम रहे, बट हम ढाई फुट पे हम लोग जो कैनोपी कर रहे हैं वो फुल फॉल कर रहे हैं, इसमें नीचे से ऊपर तक टिप टू बॉटम सेम से अपने फायदे से लेंगे। ओके, अब इस जगह हम आ रहे हैं, अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे तो लीव्स पर है बट अंदर को अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं भी हमारे पास फ्रूटिंग्स पर नहीं है, फ्रूटिंग्स पर हमारे पास यहाँ पे है, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास जो है फ्रूटिंग्स पर है, यहाँ पे हमारे पास दाना आएगा। अब देखो दो सिचुएशन है, अगर तो हम इसको रहने दें, यहाँ पे पत्तियाँ बहुत सारी आएगी, यहाँ पे हमारे पास दाने आएंगे, या तो हम इसको ये कर दें यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे दाने लिए, वैसे भी ज़्यादा ग्रो करेगी नहीं। अब गालस की दिक्कत क्या होती है, गालस में जब हम लंबी ब्रांच रखते हैं ऊपर को, तो वो क्या करती है, वो जब से फूटिंग लगता है वो यूँ झुक के यूँ आ जाती है नीचे, और वो नीचे की जो कनोपी होगी वहाँ पर शेड क्रिएट करती है, इसीलिए ऊपर को हमने वैसे ही कम रखनी है ब्रांच, तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगा इस पॉइंट पर। अब क्या है, मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब आप ये देख रहे होंगे ये एरिया है ना, ये जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ये सारा इसका फ्रूटिंग जोन है, ये इस जगह पे हमें हर जगह पे फ्रूट मिलेंगे जी, जो 2022 आएगा इसमें हमने 2022 में फ्रूटिंग इस जगह पे लेनी है, एटलीस्ट 1 से 2 फीट पर ब्रांच हमने लेनी है। अब बात आती है इसकी, तो इसमें ये ब्रांच ठीक फिर भी ठीक है, ज़्यादा डिग्रेस नहीं गई हुई है, इनके साथ अगर इसमें आते भी फ्रूट तो कितना ही झुक जाएगा, उस फिर भी इसको हम हल्का सा यहाँ पे हमें इसको यहाँ पर हम हल्का सा क्लिक करेंगे तो इसको भी क्लिक करना है हल्का सा, वैसे ऊपर की कनोपी में क्लिक वैसे होता नहीं है बट इनकेस अगर आपके पास लंबी ब्रांच तो आप उसको थोड़ा सा थिन डाउन कर सकते हो, क्योंकि गाला की टेंडेंसी ये होती है, गाला बहुत हैवी बीयर होता है और उसमें पीछे की जितनी ब्रांचेज होती है इस जगह पे आपके पास फ्रूटिंग होती है। ओके, अब ऊपर आते हैं, तो ऊपर यहाँ पे आपके पास स्पर है, तो स्पर हमने स्पर के पीछे, अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे बीमा बन गया, यहाँ बीमा बन गया, यहाँ पे हम ब्रांच कैसे लेंगे जी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, बीमे के साथ नीचे को जो भी आपके पास आँख आ रही हो उसको उस आँख पर लो और उसको आउट कर दो, ताकि यहाँ कहीं से जो बाहर को ब्रांच निकले, एक तो आपका वो तरीका है बिल्कुल इसके साथ से ये रिमूव कर दो, और दूसरा तरीका क्या है, आपने क्या करना है, आपने जब आपके पास इसमें फ्लावर आएगा आपने फ्लावर गिरा देना है, जब आप फ्लावर गिरा दोगे तो फ्लावर के बिल्कुल साथ से एक स्पोर्ट्स बड
जो ब्रांच है स्पोर्ट्स बट कहते हैं उसको, वो ब्रांच निकलेगी, उसको आपको ना बढ़ाना है आगे को, सो दैट कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे आपकी ब्रांच में है। फिर थर्ड तरीका क्या है, आपको इससे ऊपर के जोन में नॉचिंग देनी है। गाला में नॉचिंग दे के काफ़ी अच्छी फैदरिंग होती है, तो आप इसके साथ PGR आपका प्रोमलिन या फिर प्रलाना कुछ भी कर सकते हो। PGR लेटेक्स पेंट के साथ PGR आपको लगाना है उस जगह पे जहाँ पे आपने नॉचिंग की है, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके इस पेड़ की हमारे पास जो प्रूनिंग हो चुकी है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इससे जो भी फ्रूट के जो स्पर्स है वो थिन आउट करने हैं। इस प्रॉपर पेड़ की एक अच्छी कनोपी बन चुकी है। अब आप ये देखिए कि इसमें हमने फ्रूटिंग कहाँ कहाँ, फ्रूटिंग जोन जो कहाँ कहाँ पे लिया है, 1, 2, 3 ये भी यहाँ पे भी फ्रूट आ जाएगा इजीली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस जगह पे हमें फ्रूट लेना है, ऊपर को हमने ब्रांचेस भी बनानी है। जी अब मैं आपको डिशेस के पेड़ में बताना चाहूँगा, क्योंकि गालास की प्रूनिंग थोड़ी डिफरेंट है, डिश की प्रूनिंग थोड़ी डिफरेंट है।